वॉट मीटर का काम है इलेक्ट्रिक सर्किट में पावर को मेजर करना। अब कुछ इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है इसमें भी हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला तो एरोप्लेन का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर्स ने किया, ठीक है। बैरोमीटर का ई टॉचली ने किया, ठीक है। फिर है हमारा कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। फिर है हमारा इम्पोर्टेंट डीजल इंजन का किया रुडोल्फ डीजल ने, ठीक है। डायनमो का माइकल फैराडे ने, ठीक है। और फिर है आगे हम देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट माइक्रोफोन का किया है डेविड हगस ने, ठीक है। मोबाइल फोन का मार्टिन कूपर ने, ठीक है। फिर आपका इम्पोर्टेंट रेडियो का जी मैक्रोनी ने, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद में है आपका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टीम इंजन, ठीक है, थॉमस न्यूकम ने, ठीक है। और स्टीम इंजन कंडेंसर से ये जेम्स वॉट ने, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। फिर है हमारा इम्पोर्टेंट टेलीफोन का आविष्कार एलेक्सेंडर ग्राहम बेल ने, टेलीस्कोप का हांस लिपर्सी ने, टेलीविजन का जॉन लॉकिंग ने, ठीक है। फिर आपका एक्सरे का डब्लू रॉटेंजेन ने, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट डिस्कवरी देख लें, जैसे लॉ ऑफ मोशन किसने दिया? न्यूटन ने, ठीक है। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कूलम्ब ने दिया, एटम जॉन डाल्टन ने, ठीक है। फिर डायनामाइट का किसने दिया? अल्फ्रेड नोबल ने। एक्सरे तो हम डिस्कस कर ही चुके, रॉटेंजेन ने। पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेक्यूरल। इलेक्ट्रॉन जे जे थॉम्सन। रेडियम मैडम क्यूरी। क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लांक, ठीक है। फिर है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अल्बर्ट आइंस्टीन। प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन। फिर है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर किसने दिया? नील बोर और रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने। रमन इफेक्ट सी वी रमन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने। न्यूक्लियर रिएक्टर एनरिको फर्मी ने, ठीक है। और नेक्स्ट हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी ली हैं पहले, कुछ ऐसा यूनिट देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। एंगल की रेडियन, फोर्स की न्यूटन, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की हर्ट्स, मोमेंटम की किलोग्राम मीटर पर सेकंड, प्रेशर की पास्कल, पावर की वॉट, इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की ओम। पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ओम है। फिर मैग्नेटिक इंडक्शन हेनरी, मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर और ल्यूमिनस फ्लक्स, ठीक है, ल्यूमन, ठीक है। और हमारा वेवलेंथ की होती है एंस्ट्रॉम और एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस लाइट ईयर, ठीक है। इसमें भी कुछ एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला, 1 फीट में टोटल 12 इंचेस होते हैं, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल में 6080 फीट होते हैं, ठीक है। और 1 पाउंड में हमारा 0.453 किलोग्राम होता है, ठीक है। और हमारा 1 एकड़ में 10^4 स्क्वायर मीटर होता है। बाकी 1 एंगस्ट्रॉम में 10^-10 मीटर होता है। और 1 नॉटिकल माइल को अगर हम किलोमीटर में देखें तो यहाँ तो 6080 फीट था, यहाँ पर 1.85 किलोमीटर आएगा, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और 1 फीट में हमारा 0.3 मीटर होता है, और 1 इंच में आपका 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो फिजिक्स का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।